Arushi was a 14-year-old DPS student, single child, living in Noida with her parents, Rajesh and Nupur Talwar, जो दोनों दिल्ली के जाने माने डेंटिस्ट। On May 15, 2008, राजेश के बोलने पर नुपुर रात को इंटरनेट राउटर ऑन करने गई जो आरुषि के रूम में था। दिस वॉज द लास्ट टाइम जब उन्होंने आरुषि को जिंदा देखा। अ थिंग टू नोट हेयर इज दैट आरुषि का डोर एक सेल्फ लॉक डोर था जो अगर एक बार बंद हो जाए तो बाहर से नहीं खुल सकता। When Nupur was asked about this, उन्होंने बोला कि उन्हें ढंग से याद नहीं if she locked the door, और शायद उन्होंने डोर की चाबी लैच में लगी छोड़ दी हो, calling this the biggest mistake of her life. May 16, 2008, from 12 AM to 6 AM is when the crime took place. और इन 6 घंटों में क्या हुआ उसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस। द नेक्स्ट मॉर्निंग नुपुर घर की घंटी से उठ गई क्योंकि हेमराज द हाउस हेल्प डिड नॉट ओपन द डोर फॉर द मेड विच वॉज यूजली द केस। घर के एंट्रेंस पे टोटल 3 डोर थे एंड दैट हैज बीन अ हैवी पॉइंट ऑफ डिबेट क्योंकि अकॉर्डिंग टू भारती द मेड घर का मेन डोर बाहर से लैच था और ना कि अंदर से, जिसका मतलब कोई भी बाहर से अंदर आ सकता था। इवेंचुअली भारती ने घर के अंदर एंटर किया वेयर शी फाउंड द तलवार स्वीपिंग बिकॉज बाय देन दे हैड डिस्कवर्ड आरुषि इन अ पूल ऑफ ब्लड इन हर ओन बेड। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से आरुषि वॉज हिट विद अ हैवी ब्लंट वेपन एंड हर थ्रोट वॉज कट विद अ शार्प ब्लेड एंड हर टाइम ऑफ डेथ वॉज अराउंड 1 AM, द सेम टाइम जिसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। नुपुर वॉज इन शॉक जिसकी वजह से उन्होंने अपने क्लोज फ्रेंड्स फैमिली सबको घर बुला लिया और अपार्टमेंट के कुछ लोग भी वहाँ पहुँच गए। जब तक पुलिस आई तब तक घर में करीब 20 लोग थे which resulted into major evidence damage. पुलिस को आरुषि का रूम वेल ड्रेस्ड मिला। इवन आरुषि वॉज प्लेस्ड इन सच अ वे जिससे ऐसा लगे कि वो अभी भी सो रही है। पुलिस को किचन में एक वैलेंटाइन की बॉटल मिली जिसपे ब्लड स्टेन्स थे। एक इंट्रूडर का घर में आना और क्राइम के बाद खुद को अल्कोहल सर्व करना साउंड्स वेरी अनलाइकली और ये डिटेल आगे जाके तलवार के अगेंस्ट वर्क करेगी। ऑल्सो परपेट्रेटर का आरुषि के रूम को सेट करना और ये पता होना कि अल्कोहल कैबिनेट कहाँ है ये बताता है कि ही न्यू द हाउस वेल। पुलिस को छत पे जाते हुए स्टेयरकेस पे ब्लड स्टेन्स मिले पर क्योंकि छत बंद थी और उसकी की नहीं मिली तो उन्होंने इस एस्पेक्ट को कम्प्लीटली डिसमिस कर दिया। मीनवाइल हेमराज वॉज नो वेयर टू बी सीन जिस वजह से वो बन गया पुलिस का प्राइम सस्पेक्ट। पुलिस के अकॉर्डिंग क्राइम सीन सर्च के दौरान तलवार उनको बार बार इंसिस्ट कर रहे थे दैट दे शुड लुक फॉर हेमराज रादर देन वेस्टिंग देयर टाइम हियर। तलवार ने बाद में ये मीडिया में डिनाई कर दिया कॉलिंग इट कम्प्लीटली फॉल्स। इनिशियल थ्योरी ये थी कि हेमराज गॉट ड्रंक और उसने आरुषि के रूम में जाके उसको असॉल्ट करने की कोशिश करी एंड वेन शी रेजिस्टेड ही किल्ड हर एंड फ्लेड फ्रॉम द प्लेस और यही थ्योरी मीडिया में भी डिस्ट्रीब्यूट हुई। अनटिल द वेरी नेक्स्ट डे जब उन्होंने छत का दरवाजा तोड़ के खोला एंड दे डिस्कवर्ड हेमराज बॉडी। द प्रीवियसली नोटिस ब्लड स्टेन्स ऑन द स्टेयरकेस सजेस्टेड कि हेमराज की बॉडी को नीचे से ऊपर ड्रैग करके लाया गया था। जस्ट लाइक आरुषि हेमराज की बॉडी को भी कवर करने की कोशिश करी गई थी थ्रू कूलर पैनल्स और हेमराज की इंजरीज भी सेम थी, हिट विद हैवी ब्लंट मेटल एंड थ्रोट स्लिट विद अ स्मॉल ब्लेड। Soon after the discovery of Hemraj's body, the second crime scene also got flooded with people, hence destroying evidence again. और उसमें से था एक bloody handprint beside the terrace door. ऐसे कई initial investigation के blunders और गलतियां जैसे press conference में आरुषि का नाम गलत बोलना। 16 तारीख में सुबह पुलिस को खबर दी गई कि श्रुति का कत्ल हुआ है। ऐसे इंस्टेंसेस की वजह से नोएडा पुलिस को काफ़ी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। सून द पुलिस ब्रॉट इन आरुषिज बॉयफ्रेंड फॉर इंटेरोगेशन जिसने उन्हें बताया कि मर्डर से एक रात पहले आरुषि उसे राजेश तलवार के अफेयर के बारे में बता रही थी एंड हाउ शी डिस्पाइज द होल थिंग एंड दैट्स व्हेन ऑल द फिंगर्स वर पॉइंटेड एट राजेश तलवार। पुलिस थियोराइज्ड कि हेमराज और आरुषि दोनों को पता था अबाउट राजेश तलवार अफेयर एंड दे ग्रू क्लोजर वाइल डिस्कसिंग इट और फिर राजेश ने आरुषि और हेमराज को एक ऑब्जेक्शनेबल पोजीशन में देख लिया जिसके बाद राजेश हेमराज से बात करने के लिए उसे छत पे ले गया एंड दैट्स व्हेन ही किल्ड हिम। देन ही केम डाउनस्टेयर्स हैड विस्की एंड देन किल्ड हिज ओन डॉटर आरुषि। राजेश सून गॉट अरेस्टेड एंड ही बिकेम द मोस्ट हेटेड मैन इन द कंट्री और दोनों मीडिया एंड पब्लिक तलवार की स्टोरी में गलतियां निकालने लगे। फॉर एग्जाम्पल हाउ इज इट पॉसिबल कि तलवार को कुछ नहीं सुनाई दिया व्हेन आरुषि वॉज अटैक्ड एंड देयर रूम्स ऑल्सो शेयर अ पार्ट ऑफ द वॉल। ऑल्सो इट वॉज क्लियर कि घर में कोई फोर्सफुली नहीं घुसा जिसका मतलब या तो परपेट्रेटर ऑलरेडी घर में था या उसको आने दिया। द तलवार वॉज जज्ड इन ऑल एस्पेक्ट्स आरुषि के पास खुद का फोन होना या राजेश और नुपुर के लैक ऑफ इमोशंस इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। अ प्रॉपर मीडिया ट्रायल हैड बिगन। तलवार ने कुछ क्लेम्स को आंसर करने की भी कोशिश करी। उनका कहना था कि 2 ACs ऑन होने की वजह से उनके रूम तक आवाज़ नहीं पहुंची। They also claimed कि आरुषि को throat infection था due to which she might not have been able to shout. On May 31st, 2008, CBI took over the case.
दे वेंट टू रीइन्वेस्टिगेट द हाउस और हेमराज का रूम चेक करते ही दे कंक्लूडेड कि उस रूम में हेमराज से अलग और भी लोग थे। उन्हें बियर बॉटल्स और कुछ कप्स मिले एंड दैट इज व्हेन दे डिटेन्ड कृष्णा थडराय, अ वर्क असिस्टेंट ऑफ तलवार्स। ऑन जून 12th कृष्णा वेंट थ्रू अ नार्को एनालिटिक टेस्ट जिसमें द पर्सन इज ड्रग्ड एंड देन क्वेश्चन्ड इन द होप्स दैट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दीज ड्रग्स वो इंसान सिर्फ सच बोलेगा। इस टेस्ट की फुटेज कुछ दिन बाद लीक भी हो गई थी। कृष्णा ने इस टेस्ट में दो नए लोगों के नाम लिए, राजकुमार और शंभू, और इन तीन सस्पेक्ट्स के साथ CBI स्टार्टेड देयर इंटेरोगेशन विच नेवर वेंट पब्लिक। बट अकॉर्डिंग टू सम रिसोर्सेज कृष्णा ने उस रात क्या हुआ उसकी तीन थ्योरीज दी एंड अ फाइनल थ्योरी वॉज गिवन बाय CBI डायरेक्टर अरुण कुमार। Hemraj had called and they had gathered in the room of Hemraj late in night. Krishna came. पर CBI की इस थ्योरी में भी धीरे धीरे काफी इनकन्सिस्टेंसीज मिलने लगी एंड नार्को एनालिटिकल टेस्ट डज नॉट स्टैंड इन द कोर्ट। सो इन सेप्टेम्बर 2008 द थ्री हेल्पर्स वर रिलीज्ड ऑन बेल। करीब एक साल बाद सेप्टेम्बर 2009 में एक नई CBI टीम को ये केस असाइन हुआ जिन्हें इंस्टेंटली एक लीड मिली एंड द तलवार्स वर बैक इन द स्पॉटलाइट। राजेश वॉज अ गोल्फर और राजेश के एक गोल्फ क्लब की डायमेंशन विक्टिम की इंजरीज से मैच हुई और दो गोल्फ क्लब्स थरली क्लीन भी करे गए थे इन कंपैरिजन टू अदर क्लब्स। ऑल्सो दोनों विक्टिम्स के नेक पे जो कट्स थे वो पुलिस के अकॉर्डिंग किसी ट्रेंड पर्सन ने किए थे, पर इन लीड्स को क्लेम करने के लिए CBI के पास ज़्यादा एविडेंस नहीं थी। सो द CBI सबमिटेड अनदर हाईली कॉन्ट्रोवर्शियल क्लोजर रिपोर्ट कंक्लूडिंग दैट दिस केस शुड बी क्लोज ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस। द थ्री हेल्पर्स वर ऑल्सो क्लियर ड्यू टू द सेम रीजन। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट इस केस में दो पॉसिबल सस्पेक्ट्स थे, राजेश तलवार और नुपुर तलवार, और इस रिपोर्ट से पब्लिक ओपिनियन फिर से तलवार्स के अगेंस्ट हो गया। इन 2013 द तलवार्स वर फाउंड गिल्टी एंड वर सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, बट इन 2017 दे वर रिलीज्ड एक्विटेड ऑफ ऑल चार्जेस। टू दिस डे हमें क्लियरली नहीं पता कि मई 16 रात को 12 बजे से लेकर 6 बजे तक क्या हुआ, पर उससे बड़ा सवाल यह है कि हमें ये क्यों नहीं पता। क्या ये परपेट्रेटर की ब्रिलियंस थी या पुलिस की कॉन्स्टेंट लापरवाही? लेट अस नो योर थ्योरी इन द कमेंट्स डाउन बिलो एंड फॉलो इट फॉर मोर सच कंटेंट।